मंत्री जमा खान ने बेगूसराय में शराब माफियाओं के द्वारा दरोगा को कुचले जाने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ये दुखद घटना है। पूरे मामले में पुलिस प्रशासन और सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक में खड़गे को कोऑर्डिनेटर और प्रधानमंत्री का फेजने पर उन्होंने कहा कि ये बड़े लोगों का मामला है, लेकिन हमारा और हमारी जनता का मानना है कि नीतीश कुमार एक ऐसा फेस है जिस पर कोई दाग नहीं है और अन्य के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा सकती है और परिवर्तन हो सकता है। उनको बोलना है, लोग यही बोलते रहते हैं, बता दे पहले कि उलूर जुल बोलता है, कब क्या बोलना चाहिए मतलब नहीं है। आप दुख प्रकट करो ना, लास्ट पर राजनीति क्यों आप लोग करते हो भाई। मैं आपके द्वारा उनसे कहना चाहता हूँ, आप दुख प्रकट करो, मैं दुख में हूँ, मैं दुखित हूँ घटना से, मैं दुखित हूँ और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहूँगा, आप भी जानते हैं मेरे सरकार जलती है। अपराधी अगर है, मान लीजिए कहीं ना कहीं गड़बड़ सब लोग रहता है, ये सही है। आप बहुत तगड़ा से तगड़ा कानून दुनिया के अंदर बना होगा, लेकिन अपराध वहाँ भी हो जाता है। जो अपराधी वो बचेगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग लास्ट पर राजनीति करते हैं, उलू जो बातें बोलते हैं, दुख आप दुखित दुखी घटना हुई है, आपको अगर दुख है वहाँ जाइए, कोई उपाय बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन लोग तो ऐसा ही बोलते हैं जिसे कोई उसका मतलब ही नहीं। ब्रीफिंग में शामिल नहीं हो, वो जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि अब तो सीनियर लीडर लोग हैं, क्या बात हुई वहाँ मौजूद भी नहीं थे। आपके द्वारा मैं भी सुना हूँ क्या मामला, उस पर वही जवाब देंगे लोग। इसका आउटकम आपको सब, हम लोग एक हैं, महागठबंधन परिवार सब एक है। इस पर निर्णय तो जो सीनियर लीडरान गए थे, पहुँचे थे, जो बातचीत हुई है उस पर बातचीत क्या हुई है पूरी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन आज देश इंतजार कर रहा है, आप भी जानते हैं जो देश में जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जो छवि है, जो चेहरा है, उस चेहरा को सारे देश के लोग इंतजार कर रहे हैं, वो आगे बढ़े और आगे बढ़ेंगे तो उनके नेतृत्व में परिवर्तन की लहर बहेगी, जो सबको एक उम्मीद है। अब कल जो हुआ अब उसमें मुझे नहीं बोलना, चूँकि तो सीनियर लोग बोलेगा कुछ नहीं बोलना। आज पर हमारे नेता को कोई लालच कभी नहीं रहे, आप भी जानते हैं हमारे नेता सादगी से चलते हैं, सादगी से काम करते हैं, जितना काम करते हैं तो खुद बताते भी नहीं, जो तो काम कर दिए हैं। अगर दो चार दिन हम लोग बोलते रहेंगे तो काम की बातें उन ख़त्म नहीं हो पाएगी, ये लोग दुनिया के लोगों ने भी देखा है। ये हम लोगों को भी और देश के हर लोगों को ये उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में ही परिवर्तन हो सकता है। अगर परिवर्तन करना है, अगर उनसे लड़ाई लड़ना है तो एक चेहरा ऐसा है जिसमें कोई दाग नहीं है और सारे लोग जो है मानने को तैयार हो जाएंगे, सारे लोग इनके नेतृत्व में काम भी करेंगे। लेकिन बीजेपी जिस तरह इस्तेमाल, मैं बता दिया कि बीजेपी के लोग और भी बड़े सीनियर लीडरान थे पार्टी में, हम लोग छोटे थे, छात्र राजनीति करते थे, बात को सुनते थे, अच्छा भी रहता था, लोग सुनता था। लेकिन ये जो लोग चंद कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं, लगता है संस्कार से बहुत दूर हैं, हम लोग सब बातें नहीं करते हैं। ये जो बात लोग भाषा बोला है, ये बौखलाया हुआ है लोग, और ये राजनीति का तौर तरीका कुछ नहीं है। हमारे नेता भी तो इतने बड़े नेता हैं, कभी आपने नहीं सुना होगा ऐसी भाषा बोलने का, कभी आप बता दीजिए। लेकिन वो बोलता रहता है, चूँकि इनका हम समझा पॉलिटिकल संस्कार क्या मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इन लोगों को जवाब जनता दे देगी। ये कब क्या कहते हैं, सबसे दुख की बात है, एक मंच पर चढ़ते हैं कभी ये बातें नहीं बोलते काम की, क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया, हमेशा उन्मादी भाषा का प्रयोग करते हैं, हमेशा ऐसा बोलते हैं किसी को न किसी को ठेस पहुँचे, ये भाषा का प्रयोग बराबर करते रहे, यहाँ के लोग हों या दिल्ली के लोग हों। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जनता जवाब देगी, बहुत ज़्यादा उनका जवाब देने का मतलब नहीं है। जवाब आदमी उसका देता है जो जवाब देने लायक होता है, ये जवाब देने लायक है ही नहीं है। ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उन्हें खुद पता नहीं चलता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काम है सामाजिक उन्माद फैलाना। उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार को ही बिहार में सेटिंग को लेकर जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि ये बड़े स्तर पर इसका निपटारा होगा, इसमें कहीं कोई विवाद की संभावना नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।